हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल क्या वाली मदद क्या हाली गाइस। तो आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ नदीम सरवर का मखसूस नारा निस्तर पार की तारीख का सबसे बड़ा नारा जो निस्तर पार कराची में मजलिस हुआ है अयाम फातिमा का मजलिस, जहाँ पे नदीम सरवर सर एंड उनके जो बेटे हैं उन्होंने जो नुहाखवानी करी है, आपने देखा वीडियो उसके पहले है ना। तो उस मजलिस में नदीम सरवर सर ने एक नारा लगाया है, मेरे ख्याल से नारा हैदरी लगाया है। तो बहुत लोग मुझे कह भी रहे थे कि लाइक उस नारे के ऊपर वीडियो बनाइए। बहुत लंबा नारा है, मैंने सुना है बहुत बड़ा और लंबा नारा लगा है नदीम सरवर सर ने, एंड इसमें लिखा भी है टाइटल में निस्तर पार की तारीख का सबसे बड़ा नारा। तो लेट्स सी, इस वीडियो को देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। अबू मुस्तफ़ा टीवी चैनल की ये वीडियो है तो प्लीज़ जाके चेक कर लेना, एंड फुल सपोर्ट है उनको, तो लिंक दिया हुआ है चेक कर लेना। अब इस वीडियो को देखते नारा अब नदीम सरवर का महसूस नारा। जितने हम मेंबर पर हैं हम नारे हैदरी लगाएंगे, जितने हम मेंबर पर हैं नारे हैदरी लगाएंगे, लेकिन हमारा नारा सुनना आपको लगेगा कि हम थके नहीं हैं। आखिरी आदमी तक चैलेंज कर रहा हूँ नारे हैदरी हम लगाएंगे और तकबीर का नारा हैदरी का जवाब आपने देना है। नश्तर पार की तारीख का सबसे बड़ा नारा आदमी ने अबा अब्दुल्ला अबल फजल के नश्तर पार का सबसे बड़ा नारा लगने जा रहा है। मगर मेरे प्यारे भाई बहनों, जो मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, अगर चाहते हो सेहत, इस वक्त एक साहब अपनी किसी उसके लिए भी सोच रहे हैं मुसलसल, सुबह का सूरज निकलेगा तेरी परेशानी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। मेरी माँ एक लफ्ज कहती थी कि मैं उसको सैयद नहीं मानती कि जो दो उंगलियों के दरमियान से अपने जद की तरह ना देखे कि ये इंसान बना है कि नहीं, आलम जात में दरवेश बना देता है, मौला अली का इश्क पागल नहीं होने देता है। याद रखना मेरी बात, अब नारा हम लगाएंगे, आपने चुप होके सुनना है हम सबको कितना लंबा नारा है, उसका जवाब आपने देना है। जो थके हुए हो हाथ नीचे रखे, जो शर्माए हुए हो अभी नहीं जो शर्माए हुए हो के बराबर में दामाद खड़े हाथ नीचे रखे, जिसको किसी यजीद का डर है वो हाथ नीचे रखे, लेकिन शियाने हैदर करार हो, बहन माँ बेटी का तमीज है और अली की फजीलत तुम्हारे दिल के अंदर है। मेरे हाथों बाहर चल जाएंगे। पाकिस्तान के दुश्मनों को सिखाना है, सुनाना है ये नारा कोरोना को सुनाना है, ओमिक्रॉन को सुनाना है। आप तैयार हो? मैं कराची वालों ये वीडियो लेके जाऊंगा, अगर पीछे वाले तमाशाइयों की तरह खड़े रह गए ये मत समझना कि तुम तमाशाई हो, नहीं, तुमको भी मौला अब्बास कहीं से देख रहे हैं। आज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी का जिक्र हो रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे 12 इमाम तशरीफ ना लाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जमीन शोदाए कर रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी बीवी शाम से ना आई हो। एक जुमला सुनते जाओ, पंजाब के किसी जाकिर ने पढ़ा, इसके बाद नारा लगाऊंगा, पंजाब के किसी के जाकिर ने पढ़ा, आपको नारे लगाते हुए हाथ करते हुए देखते हुए शाम से कोई बीवी आज भी हर मजलिस में आती है, तो अपनी मादर गिरामी की मजलिस में आज नहीं आई हूं, ऐसे ही किसी मजलिस में शाम से कोई बीवी मेरी शहजादी हुसैन की बहन बीबी जैनब सलाम अल्लाह अलैहा तशरीफ मजलिस में लाई और उंगली पकड़े हुए उनके छोटी शहजादी, उन्होंने मजमे की तरफ देख के कहा बूबी अम्मा इतना बड़ा मजमा मेरे बाबा का नाम लेके रो रहे हैं, तो कहते कि हाँ ये सब तेरे बाबा के अजादार हैं, तेरे बाबा के मातमी हैं, तो मातम करके कहती है कि बूबी अम्मा काश ये मातमी करबला में मेरे बाबा के साथ होते, उस वक्त कोई मेरे बाबा को पत्थर मारता था, कोई नैजा मारता था, कोई तलवार मारता था, ये अहमियत है अजादारण हुसैन तुम्हारी, ये अहमियत है। अब नारा हम लगाएंगे जवाब आपने देखा है। मैं नौखान पर नकी अमर और वहीद और हानी अली शनवर तुम सबके लिए दुआ करूं, तुमने मेरा बहुत साथ दिया, जितने भी मेरे जूनियर नौखान हैं
बहुत दिन के बाद तुमसे मिला हूँ, दो साल निकल नहीं पाए हम अपने वतन से, लेकिन खुदा गवाह है मैंने हर नमाज में तुम्हें दुआ दी, खुदा गवाह है हर नमाज में तुम्हारे जानो माल की मुमलिकत पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, दुनिया भर के मोमिनों ने, दुनिया के भर की इंसानियत के लिए हमने हमने हर शब्द दुआ दी है परवरदिगार, आप मेरे दिल में रहते हो, नारा हम लगाते हैं, नारा तकबीर, नारा रिसालत, लश्कर पार का सबसे बड़ा नारा। मैंने कहा है जो यजीद से डरता हो या जो हाथ के किसी प्रॉब्लम में हाथ नीचे रख परवा नहीं, चुप रहो, हाथ रखे, हाथ नीचे रखे, पहले हमारा नारा सुनो, लश्कर पार की तारीख का सबसे बड़ा नारा, जितना लंबा हमारा नारा हो उतना लंबा जवाब देना, अगर थके हो तो बैठ जाना, अगर थके नहीं हो और हम हाथ में कभी थकता ही नहीं, हमारा नारा सुनो, That's it. अब कोई ये मत कहना कि मैंने हाथ नहीं उठाया, मैंने हाथ इसलिए नहीं उठाया बिकॉज मेरे कैमरे का एंगल बहुत छोटा सा है, मैं अगर हाथ उठाऊंगा तो मेरा हाथ कट जाएगा, मतलब दिखेगा ही नहीं तुमको, एंड ऊपर से जिस तरह की मेरी लाइटिंग है मैंने खुद सेटअप करा है दोनों लाइटिंग को, तो भैया अगर लाइट पे ज़्यादा परछाई पड़ गई तो फिर क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है, बिकॉज मैं मोबाइल से शूट करता हूँ, बहुत सिंपल सी बात है, तो मैंने हाथ इसीलिए नहीं उठाया, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, मत बोलना इस चीज़ के बारे में। यस, बहुत बड़ा ये नारा था, नारा हैदरी, एंड सामने वाले कहते हैं या अली, इसी तरह का नारा मैंने हैदराबाद में देखा था, इंडिया हैदराबाद, हैदराबाद इंडिया, जब नदीम सरोवर से इंडिया आए थे ना उस वक्त, लाइक मैंने फर्स्ट टाइम वो लाइक नारा हैदरी सुना था, मैंने उससे पहले मैंने कभी भी नहीं सुना था, जो मैंने रिएक्शन वीडियो बनाया था नदीम सरोवर सर का, नारा हैदरी वर्सेस या अली ऐसे कुछ तो लिखा था उस वीडियो में, वो भी वीडियो बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन हाँ ये जो नारा था ये उससे बड़ा नारा था, तो मैंने जब स्टार्टिंग में मैं रिएक्शन करने आया था मैंने सोचा था कि भैया हैदराबाद वाला जो नारा था वो बहुत बड़ा नारा था, बट यस ये भी बहुत बड़ा नारा था, एंड वहाँ की पब्लिक भी बहुत ज़्यादा चार्जअप थी, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थी, हैदराबाद की भी चार्जअप थी, बट सीन वही होता ना कि मुझे किसने बताया था कि उस मतलब वहाँ की जो पब्लिक थी वो मातम करके आई थी, मेरे ख्याल से मुहर्रम वगैरह का महीना, प्रॉपर मुझे याद नहीं कौन सा मतलब टाइम चल रहा था उस टाइम, लेकिन मैंने सुना है कि बहुत मातम करके आए थे वो लोग, दैट्स वाई उस टाइम पे वहाँ की जो लोग थी वो प्रॉपर साथ नहीं दे पाई, जो लाइक रिप्लाई में या अली कहते हैं ना हैदराबाद की वीडियो में प्रॉपरली उस तरह से वो नहीं कर पाए, इसमें बहुत ज़्यादा लाइक एनर्जेटिक मतलब काफ़ी ज़्यादा चार्जअप थे वहाँ पे तुमने देखा, एंड नदीम सरवसर का जितने भी मैंने लाइक नारा हैदरी सुना है पहले, लाइक जितने भी नोहा खान होते हैं, लाइक नदीम सरवसर नहीं, जितने भी नोहा खान होते हैं पहले वो लाइक नोहा पढ़ लेते हैं एंड उसके बाद नारा हैदरी लगाते हैं, मतलब वो प्रॉपरली कहते हैं ना कि भैया पहले नोहा पढ़ा, उसके बाद तुम्हें पता है नोहा बहुत पढ़ने के बाद ताकत जो होती है बहुत एकदम ख़त्म सी हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने देखा किस तरह से लाइक कितना पावर था नदीम सरोवर सर के अंदर में, एंड नारा हैदरी लगाया फुल पावर के साथ, फुल जोश के साथ, एंड बहुत लंबा था निस्तर पार्क की तारीख का सबसे बड़ा लंबा नारा हैदरी, एंड रिप्लाई में या अली, बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत ज़बरदस्त ये वीडियो थी, एंड जो लास्ट में ये प्रॉपरली बहुत सारे वीडियोस वगैरह में करते हैं अली मौला
जुबा के साथ दिल बोला अली मौला, ये बहुत अच्छा लगता है जो मतलब एक वॉइस की टेक्निक होती है ना अली मौला, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। नदीम सरोवर सर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ठीक है। तो यस ये था नारा हैदरी, मतलब नारा हैदरी नारा, एंड यस बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत ज़बरदस्त ये वीडियो थी, मुझे बहुत पसंद आया। इस तरह की वीडियोस बहुत कमाल के होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, एंड बीच में जो उन्होंने एक बात कही वहाँ पे लिटरली इमोशनल कर दिया नवीन सरोवर सर ने, जो इन्होंने बात कही कि भैया शाम से है जो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आती है साथ में अपने छोटी भतीजी को भी लेके आती है, बीवी सकीना सलामुल्लाह अलैहा को उंगली पकड़ के लेके आती है, एंड वो देखती है कि इतनी सारी मातमदारी जो है वो मातम कर रहे होते, नुहा पढ़ रहे होते, वो पूछती है कि ये सब हमारे लिए मातम कर रहे हैं, मेरे बाबा के लिए मातम कर रहे हैं क्या? तो फिर बीबी कहती कि यस ये सब हमारे आज़ादार है, हमारे लिए मातम कर रहे हैं, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की दुआ है, ये सब उनके रास्ते पर चलने वाले ये सब लोग हैं, ये सब लाइक आज़ादार है प्रॉपरली, है ना। या दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बी सेफ बी हैप्पी, पीस आउट, याली मदद, लबाइक या हुसैन।